सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल एडवर्ड विंग्स एंड क्लास फिफ्थ जो है जेके पी एस सी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की इस क्लास फिफ्थ के साथ आज हम हाजिर हैं आपके सामने एंड टॉपिक आज का रहेगा कोऑपरेटिव्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं दो तीन जो कि एग्जाम परस्पेक्टिव से शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और तो साथ ही साथ जब हमने हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स के बारे में पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में तो हमने मेन फोकस हमारा जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो मेन फोकस हमारा इंग्लैंड में जितनी भी मोमेंट्स हुई थी उन पर था और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा मोमेंट्स अगर लार्ज uh, स्केल पर कहीं पर हुई थी तो वो इंग्लैंड में ही हुई थी लेकिन तब हमने स्वेडन uh, जर्मनी और आयरलैंड में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स हुई थी तब उनके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था आज जो है हम उनके जो स्वेडन जर्मनी और आयरलैंड में कोऑपरेटिव मूवमेंट्स रही उनके बारे में जो फैक्ट हैं जो कि आपको एग्जाम में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में उनके ऊपर भी देखेंगे तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके वो पी जो है इसकी वीडियो की चैन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की सबसे पहला टॉपिक है वो है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे ठीक है तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जो है वो कब होता है कैसे क्या, क्या इसकी हिस्ट्री रही है क्यों इसको इसी डेट पर सेलिब्रेट किया जाता है तो आइए आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जो है वो फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है यानी हर साल जुलाई का जो पहला शनिवार आता है जुलाई महीने में जो फर्स्ट सैटरडे आता है उसे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे के तौर पर मनाया जाता है और ये एनुअल इवेंट है ओके okay? जब से जो है इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है उसके बाद ये सालों साल जो है वो चलता आ रहा है पर्पज़ क्या है इंटर इसको मनाने का पर्पज़ ये है कि एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ स्टार्ट ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड तो मतलब जब भी कोऑपरेटिव मूवमेंट जो स्टार्ट हुई उसका उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो है इसको सालों साल जो है अक्रॉस द वर्ल्ड जो है यानी हर देश में इसको जो है अपने अपने अलग अलग तरीके से इसको मनाया जाता है और इस टाइम में जो है कोऑपरेटिव्स की सक्सेस के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है लोगों को इनकेज किया जाता है कि आप भी कोऑपरेटिव के साथ जुड़िए आपको ये फ़ायदा रहेगा आपको ये फ़ायदा रहेगा ताकि जो मैसेज जो है कोऑपरेटिव का वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए और जो मेंबर हैं कोऑपरेटिव्स में और से ज़्यादा ज़्यादा मेंबर जो है वहाँ पर ऐड किए जाएं ये मैसेज जो है इस कोऑपरेटिव इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे के दिन जो है वो स्प्रेड करने की कोशिश की जाती है 2020 में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सैटरडे जो था वो 4 जुलाई को आया था यानी लास्ट ईयर जो हमने सेलिब्रेट किया था फर्स्ट सैचरडे जो था वो चार जुलाई यानी चार जुलाई को हमने इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया गया और इस साल 2021 में अगर आप देखोगे तो तीन जुलाई को जो है फर्स्ट सैचरडे आ रहा है यानी आज तीन जून है यानी आज से एक महीने बाद जो है आपका इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जो है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा पूरी दुनिया में ओके हिस्ट्री जो है इसकी कि कैसे जो है इसको और कब से इसको मनाना शुरू किया गया तो 1992 की बात है 1992 में सिक्सटीन uh, दिसंबर 1992 में यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली जो है वो मिलती है और कोऑपरेटिव्स के ऊपर जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करती है कि कोऑपरेटिव्स के बारे में और क्या किया जा सकता है जैसे कोऑपरेटिव जो है उनकी और डेवलपमेंट हो सके तो क्या होता है कोऑपरेटिव्स को लेकर सबकी जो है एक आम सहमति बनती है कि एक ऐसा रेजोल्यूशन पास किया जाए जिसके द्वारा जो है पूरे वर्ल्ड में जो है एक ऐसा दिन जो है वो मनाया जाए जो कि सिर्फ कोऑपरेटिव्स को डेडिकेट जाए उनकी सक्सेस को डेडिकेट किया जाए उनकी डेवलपमेंट को डेडिकेट प्रोक्लेम होता है वो पेश होता है और उसमें ये कहा जाता है कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कोऑपरेटिव मूवमेंट्स जो है जो शुरुआत हुई थी कोऑपरेटिव मूवमेंट्स की उनको सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन जो है वो हमें रखना चाहिए पूरे वर्ल्ड में जो है हम कोऑपरेटिव जो है उनकी सक्सेस को उनकी मैसेजेस जो हैं वो उनको दुनिया के अलग अलग कोनों तक पहुंचा सकें ओके टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ कोऑपरेटिव इन द वर्ल्ड एनुअली ओके एंड टू इनकरेज द फ्रेशर्स टू इनकॉपरेट इन द न्यू कोऑपरेटिव ठीक है तो जो ऑलरेडी एग्जिटिंग्स हैं उनकी सक्सेस जो है वो दुनिया को बताई जाए और जो अभी तक तो कोऑपरेटिव्स के साथ नहीं जुड़े हैं उन फ्रेशर्स को भी इनक्रेज किया जाए कि वो भी आए कोऑपरेटिव के साथ जुड़े कोऑपरेटिव के दे जो है वो भी उठा सकते हैं okay. ओके तो रेजोल्यूशन ये जो 47 सेवन बटा नाइन्टी जो प्रोक्लेम किया जाता है इसे पास किया जाता है उसी ईयर में बहुत ही ज़्यादा जोश के साथ और ये डिसाइड किया जाता है कि एनुअली जो है हम सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे वो भी 1995 से लेकर ठीक है 1992 में रेजोल्यूशन पास हो जाता है लेकिन ये डिसाइड किया जाता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जो है वो हम नाइन्टीन से लेकर ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे यानी नाइन्टीन में फर्स्ट एडिशन जो है इस इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे की होती है और 1995 को ही क्यों शुरू किया जाता है क्योंकि ऑन द ईव ऑफ ऑफ फाउंडेशन ऑफ आई इन 1895 तो 1895 में आपको पता है कि आई सॉरी आई का गठन हुआ था 1895 में और 1895 से लेकर अगर आप 1995 तक देखोगे तो 100 साल हो जाते हैं आई को बने यानी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस को बने 100 साल हो जाते हैं और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस को बने की जो सालगिरह है उसके ऊपर जो है यानी 100 साल उसके पूरे होने पर ही जो है तब से लेके इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे को सेलिब्रेट करने का डिसीजन लिया जाता है तो 1995 में फर्स्ट एडिशन जो है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे की वो मनाई जाती है तो फर्स्ट सैचरडे जो है जुलाई का उसे चूज़ किया जाता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव के तौर पर इसे मनाया जाएगा आई सी दैट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स और 2020 में जो है इसकी ट्वेंटी सिक्स एडिशन होनी है जो 2020 में इसकी एडिशन हुई है क्योंकि 1995 में फर्स्ट टाइम इसे सेलिब्रेट किया गया तो 2020 में छब्बीसवीं एडिशन थी ओके ट्वेंटी सिक्स एडिशन थी और ट्वेंटी ट्वेंटी में जो सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे उसकी थीम जो है वो रही कोऑपरेटिव फ्रॉ फॉर क्लाइमेट एक्शन ठीक है तो कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन जो है वो 2020 की थीम रही है और 2021 में जो है ट्वेंटी सेवन्थ एडिशन अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट तीन जुलाई को होनी है नेक्स्ट मंथ में तो उसकी क्या थीम रहेगी वो भी हम तब डिस्कस करेंगे जब वो सेलिब्रेट किया जाएगा तो तब थीम जो है उसकी रिलीज की जाएगी तो तब हम देखेंगे इसके अलावा 2010 की एक थीम है क्योंकि कोऑपरेटिव्स और वीमेंस के रिलेटेड ये थीम थी तो इसे भी आप याद रखिए शायद जो है आपसे पूछ सकते हैं कि वीमेंस को लेकर कोऑपरेटिस् की कौन सी एडिशन में जो है वीमेंस को ज़्यादा दर्जा दिया गया था उनकी थीम जो है वो रखी गई थी तो 2010 की थीम थी कोऑपरेटिव एंटरप्राइज़ तो टू एम्पावर वमेन तो ये थीम जो है तो ये दो की जो एडिशन हुई इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स डे की उसमें जो है वो रखा गया तो ये था इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे के बारे में अब हम पढ़ेंगे नेशनल कोऑपरेटिव वीक जैसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेटिव डे यानी एक दिन जो है डेडिकेट किया जाता है कोऑपरेटिव्स को वैसे ही इंडिया में एक दिन नहीं बल्कि पूरा हफ़्ता जो है वो कोऑपरेटिव्स को डेडिकेट किया जाता है वो कोऑपरेटिव की सक्सेस के बारे में दुनिया को बताता है तो एक दिन ना डेडिकेट करते हुए इंडिया ये डिसाइड करता है कि हम पूरा हफ़्ता जो है वो कोऑपरेटिव्स की डेवलपमेंट के लिए कोऑपरेटिव के सक्सेस का मैसेज़ जो है वो दुनिया में फैलाने के लिए सॉरी अपने नेशन में फैलाने के लिए पूरा हफ़्ता जो है वो डेडिकेट करेंगे कोऑपरेटिव्स को तो एनुअल इवेंट है ये भी हर साल जो है वो ये हफ़्ता जो है ये मनाया जाता है कोऑपरेटिव नेशनल कोऑपरेटिव वीक के तौर पर और ये पूरे इंडिया में अक्रॉस हर स्टेट और हर यूटी में जो है ये मनाया जाता है और ये कौन सा हफ़्ता रहता है नवंबर चौदह से लेके नवंबर बीस ओके याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नवम्बर चौदह से लेकर नवम्बर बीस तक जो है ये हमारे देश में नेशनल कोऑपरेटिव वीक के तौर पर मनाया जाता है तो कैसे ये स्टार्ट हुआ हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री के बारे में उतना ज़्यादा हमें जानकारी अभी तक नहीं है इसके बारे में कि कैसे इसको स्टार्ट किया गया क्या वजह रही लेकिन थोड़ा बहुत जो पता है उसके ऊपर ये कहा जाता है कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है तो इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद ही कुछ कोऑपरेटिव्स जो होते हैं कोऑपरेटिव्स यानी कुछ कोऑपरेटिव्स के जो हेड होते हैं वो आ, इंडियन गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि हमें एक एनुअल सेलिब्रेशन जो है वो करना चाहिए एनुअल सेलिब्रेशन कैसे करना चाहिए कि जिसमें हम कोऑपरेटिव के फेवर में हम लोगों तक मैसेजेस पहुंचाएं कोऑपरेटिव सेक्टर्स की डेवलपमेंट के बारे में लोगों को बताएं ताकि क्या हो ताकि जो नए वर्कर हैं उन्हें भी जुड़ने का मौका मिले कोऑपरेटिव्स के साथ और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हें हम मोटिवेट कर सकें कि वो और अच्छे से जो है वो काम कर सकें आने वाले टाइम में तो इसके लिए हमें एक इनकी सजेशन यही थी कि एक एनुअल सेलिब्रेशन एक ही दिन का हो तो वो ऐसा कुछ होना चाहिए तो सून एस ओ ओ एन ए तो कहता है कि जैसे ही इंडिपेंडेंस के बाद ही जब यह डिमांड पेश की जाती है तो बहुत जल्दी जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उस डिमांड के ऊपर काम करती है एक्ट करती है और मानती भी है और जल्दी ही उन्नीस में ठीक है 1947 में इंडिया आज़ाद होता है और नाइन्टीन फोटी के अराउंड जो है डिमांड रखी जाती है एक डे मनाने के लिए कोऑपरेटिव के लिए और नाइनटीन में यानी कुछ सालों बाद ही इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव का रोल जो है वो उसे समझती है और उन्हें ऑनर करने के लिए ठीक है उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए उन्हें और मोटिवेट करने के लिए ये डिसाइड करती है कि हम जो है नेशनल कोऑपरेटिव वीक जो है एन उसको हम एनुअली अब सेलिब्रेट करेंगे ओके और ये डिसाइड किया जाता है कि 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच जो है ये वाला वीक जो है ये डेडिकेट किया जाएगा एक दिन नहीं पूरा हफ्ता डेडिकेट किया जाएगा क्या रीज़न था इसके बारे में क्लैरिटी जो है वो कहीं भी अभी तक बताई नहीं गई है बस जो है ये दिन डिसाइड किया गया ये हफ़्ता डिसाइड किया गया कि इस हफ्ते में कोऑपरेटिव्स को जो है वो कोऑपरेटिव वीक सेलिब्रेट किया जाएगा ठीक है तो ये कोऑपरेटिव वीक जो है ये पूरे स्टेट और हर यूटी जो है इंडिया के उसमें सेलिब्रेट करता है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये इसको ऑर्गेनाइज कराती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी याद रखिएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है इस इंटरनेशनल कोऑपरेटिव वीक को सेलिब्रेट करती है तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ़ फिनंस ठीक है क्योंकि कोऑपरेटिव जो है ये हमारे फाइनेंशियल सेक्टर फाइनेंशियल इकोनॉमी का सेक्टर बन चुका है तो मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है इसको ऑर्गेनाइज़ कराने में इस हफ्ते में क्या किया जाता है कि कॉन्फ्रेंसिस ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिस ऑफलाइन कॉन्फ्रेंसिस और लोगों को फेमिलियर किया जाता है कोऑपरेटिवस की इंपॉर्टेंस के साथ ठीक है लोगों को बताया जाता है कोऑपरेटिवस की क्या इंपॉर्टेंट है क्या सक्सेसफुल देखिए और क्या फायदा उनको रहेगा अगर वो आने वाले वक्त में कोऑपरेटिव के साथ जोड़ते हैं ओके तो 9053 में पहली एडिशन होती है और 2020 जो है उस पे ये 67th एडिशन जो है नेशनल कोऑपरेटिव वीक की वो इंडिया में मनाई जाती है और 2021 में जो है ये 68th एडिशन होगी जो कि 14 से 20 नवंबर के बीच अभी होगी तो तब क्या होगी हम तब की थीम तब देखेंगे तो 2020 की अगर है थीम की बात करें तो क्या थीम थी भी 2020 की है ये देखते हैं तो देखिए ओवरऑल हर दिन जो है जो कोपरेटिव वीक 14 से लेकर 20 नवंबर के बीच सेलिब्रेट किया जाता है तो हर दिन की अलग अलग थीम रखी जाती है हर दिन की अलग अलग थीम रखी जाती है ये देखिए सारी थीमें मैंने आपको 2020 की बताई हुई हर हर दिन की लेकिन ये था सारे दिन की थीम्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है थोड़ा ओवरव्यू देख लीजिएगा नज़र लगा लीजिएगा लेकिन आपको एक ओवरऑल थीम जो है वो अलग से दी जाती है वो ओवरऑल थीम क्या थी वो ओवरऑल थीम थी कोविड पेंडेमिक आत्मनिर्भर भारत एंड कोऑपरेटिव ठीक है तो ये जो है ये ओवरऑल थीम जो है वो 2020 के एडिशन की रही थी जो नेशनल कोऑपरेटिव वीक रहा था उसके अलावा अगर आप अलग अलग दिन की देखेंगे तो 14 जो नवंबर था उसकी थीम थी पोस्ट कोविड 19 रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोऑप्रेटिवस ओके okay, उसके बाद पंद्रह को जो है पंद्रह को ये थीम रखी गई कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन सोलह को जो है ये री ट्रेनिंग एंड एजुकेशन थ्रू द ऑनलाइन कम्युनिकेशन सत्रह को रखी गई सत्रह की जो थीम थी वो थी कोऑपरेटिव्स अमंग द कोऑपरेटिव्स ओके स्ट्रेंथिंग कोऑप्रेशन एमोंग द कोऑपरेटिवस अठारह को रखी गई स्किल डेवलपमेंट टू री एम्प्लॉय द जॉब बिजनेस लूजर्स एंड विक्टम्स और उन्नीस की थीम रखी गई कोऑपरेटि फॉर यूथ वीमेंस एंड वीकर सेक्शन और आखिरकार जो लास्ट दिन था बीस नवंबर तब थीम रखी गई फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटाइजेशन एंड सोशल मीडिया थ्रू द कोऑपरेटिव्स ठीक है तो अलग अलग दिन की अलग अलग थीम्स रखी जाती हैं उस थीम पर वर्क किया जाता है लेकिन ओवरऑल थीम जो है वो अलग से रखी जाती है और ये ओवरऑल थीम जो है इसको आपने याद रखना है ओके तो आई थिंक जब आपका पेपर आएगा नवंबर अक्टूबर शायद नई थीम भी तब आई हो तो तब अगर एग्ज़ाम से पहले पहले नई वीक सेलिब्रेट हो जाती है और नई थीम आती है तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन फिलहाल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वो पिछले साल की ये वाली थीम तो इसे याद रखिएगा ओके उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है कोऑपरेटिव यूके ठीक है तो कोऑपरेटिव यूके क्या है नाम से भी आपको पता चल गया होगा कि कोऑपरेटिव यूके के जो है ये यूनाइटेड किंगडम जो है यानी ब्रिटिश एम्पायर जो है जो ब्रिटिश का कॉलोनी की बात नहीं कर रहे जो अभी मौजूदा ब्रिटिशर्स हैं जो कि लंदन में पूरा यूके को कवर करते हैं जिसमें आपका आयरलैंड एंड और, न, कुछ और एरियाज भी इसमें ऐड होते हैं तो उस पूरे यूके के एरिया में जितने कोऑपरेटिव्स हैं उन सब की एक फेडरेशन है जिसे कि हम कहते हैं कोऑपरेटिव यूके ठीक है नाम से पता चल जाता है कि यूके की एक फेडरेशन है लेकिन पहले ऐसा नहीं था पहले इसका नाम कुछ और था शायद आपको वो नाम देकर भी कन्फ्यूज़ किया जा सकता है तो आइए देखते हैं कोऑपरेटिव यूके लिमिटेड ये कहता है कि ब्रिटिश कोऑपरेटिव फेडरेशन है जो कि थ्रू आउट द यू के यानी पूरे यू के में जो कोऑपरेटिव्स हैं उनकी मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे कंट्रोल करती है ठीक है रजिस्टर्ड जो है वो तो एक्ट के अंदर ही होता है जैसा कि कानून वहाँ का बना होगा लेकिन जो है इन सब की मेंबरशिप कैसे होनी है मैम इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है यानी कंट्रोल पूरा अगर किसी के अंदर है पूरे यू के अंदर जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन का है जिसका नाम है कोऑपरेटिव यू के ओके okay. 1870 में जो है ये फाउंडेशन जो है ये बनती है ये फेडरेशन बनती है और तब इसका नाम रहता है कोऑपरेटिव कंट्रोल बोर्ड ठीक है तब इसका नाम कोऑपरेटिव कंट्रोल बोर्ड रहता है जब ये 1870 में बनती है और इसको बाद में इसका नाम चेंज करके कोऑपरेटिव यूनियन जो है वो कर दिया जाता है और फिर जो है दो में क्या होता है कि कोऑपरेटिव यूनियन जो है ये मर्ज होती है इंडस्ट्रियल कॉमन ऑनरशिप मूवमेंट के साथ और इसका फाइनली जो है ये नाम रख दिया जाता है कोऑपरेटिव यूके ठीक है तो पहले इसका नाम कोऑपरेटिव कंट्रोल बोर्ड रहता है फिर इसका नाम बदल कर कोऑपरेटिव यूनियन कर दिया जाता है फिर कोऑपरेटिव यूनियन जो है ये मर्ज होती है इंटर इंडस्ट्रियल कॉमन ऑनरशिप मूवमेंट दो ऑनरशिप उन, मूवमेंट के साथ 2001 में और इसका फाइनली नाम जो है वो कोऑपरेटिव यूके रख दिया जाता है जो कि आज मौजूदा भी चल रहा है ओके इसके लगभग सात हजार मेमर यानी सात हजार अलग अलग कोऑपरेटिव सॉरी सात सौ सात सौ प्लस जो है मेंबर जो हैं इसके हैं सात सौ प्लस कोऑपरेटिव जो हैं इस फेडरेशन के कंट्रोल के अंदर आती हैं मौजूदा अगर टाइम की बात करें ओके उसके बाद हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो क्या रहता है कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव जो हैं वो जब 2001 में मर्ज होते हैं तो तब इसका तब इसके अंदर सिर्फ कंज्यूमर कोऑपरेटिवस आते हैं ठीक है जब ये मर्जर इनका होता है 2002 में सॉरी so, 2001 के मर्जर से पहले जो है ये जो फेडरेशन बनती है ये सिर्फ कंज्यूमर कोऑपरेटिव जो है यूके के अंदर जितने भी कंज्यूमर कोऑप्रेटिव्स हैं सिर्फ़ उनके कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है 2001 के मर्जर से पहले ठीक है और आफ्टर द मर्जर इन 2001 2001 में जब ये मर्ज होती है इंडस्ट्रियल मूवमेंट के साथ और कोऑपरेटिव यूके जो है उसका गठन होता है तो इसका स्कोप जो है उसको और बढ़ाया जाता है और कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स तो पहले थे ही इसके अंदर अब इसके साथ साथ इसके अंदर वर्कर कोऑपरेटिव जो हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है यानी वर्कर कोऑपरेटिव जितने भी हैं यू के के उनको भी और कंज्यूमर कोऑपरेटिव दोनों को जो है ये कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है और आज प्रेजेंटली देखें तो प्रेजेंटली जो है ये सपोर्ट कर रही है प्रमोट कर रही है जितने भी इंटायर कोऑपरेटिवस हैं थ्रू आउट द यूके जिस तरह के वो कॉपरेटिवस हों इस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर ये सब कोऑपरेटिव जो हैं यूके के अंदर उन सब को सपोर्ट करती है उन सबको प्रमोट करती है उन सबको कंट्रोल करती है ओके हेड क्वार्टर जो है कोऑपरेटिव यूके का वो काम पर है वो है होलियो एक हाउस जो कि मैनचेस्टर लंदन में है ठीक है होलो को हाउस मैनचेस्टर में है और इसके प्रेजेंट सीईओ जो है वो है रोज मार्ले ओके okay? रोज मार्ले जो है वो इसके प्रेजेंट सीईओ ई हैं तो ये थे कुछ फैक्ट्स जो कि कोऑपरेटि के बारे में आपको एग्ज़ाम में शायद पूछे जा सकते हैं अब हम पढ़ेंगे कोऑपरेटि मूवमेंट जो कि जर्मनी आयरलैंड और स्वीडन में हुई हैं ओके आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जर्मनी में देखते हैं क्या क्या फैक्ट जो हैं कोऑपरेटिव मोमेंट्स को लेकर जर्मनी में रहे हैं जो कि आपको एग्ज़ाम्स में जो है वो काम आ सकते हैं तो पहले हम जर्मनी के बारे में फैक्ट करते हैं जर्मनी जो कंट्री है इसके बारे में क्या क्या फैक्ट है इसको किस और और नाम्स के जाना जाता है कोऑपरेटिव्स के टर्म में अगर हम देखें तो क्या क्या अलग नाम जर्मनी को दिए जाते हैं तो जर्मनी इज़ नोन एज ओके okay, जर्मनी को क्या क्या कहा जाता है सबसे पहले तो क्रेडल ऑफ़ कोऑपरेटिव क्रेडिट्स मूवमेंट इन द वर्ल्ड ये मैंने कल आपको टेलीग्राम में क्वेश्चन भी पूछा था और आज मैं आपको बताता हूँ क्रेडल का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए क्रेडल रहता है जहाँ पर जिस चीज़ का जन्म हुआ ठीक है जिस चीज़ का जहाँ पर जन्म रहता है वो उसे हम बर्थ प्लेस को हम कहते हैं क्रेडल ओके तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ की बात हो रही है सिर्फ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो लोन वगैरह से या पैसे वगैरह देती हैं लोन देती हैं अपने मेम्बर्स को उन्हें क्रेडिट सोसाइटी कहा जाता है तो जो कोऑपरेटिव क्रेडिट मूवमेंट जो थी वर्ल्ड में उसका बर्थ जो है वो जर्मनी में होता है ठीक है तो जर्मनी को क्रेडल ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट मूवमेंट कहा जाता है दूसरा नाम जो है इसे यह भी कहा जाता है कि इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट ग्रेट सोसाइटी इन द वर्ल्ड तो जैसे क्रेडल एंड बर्थ प्लेस इज द सेम वर्ड जैसा कि मैंने आपको बताया तो शायद आपको अलग अलग दो तरीकों से भी पूछा जा सकता है कि क्रेडल ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कौन सी है या बर्थ प्लेस ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन सी तो दोनों ही केस में जर्मनी आपका आंसर रहेगा उसके बाद क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बाद जो अर्बन बैंक्स हैं यानी यूसीबीज के बारे में जैसा कि मैं आपको परिवार बताता हूं तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, जिन्हें कि कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के नाम से भी ना जाना जाता है उनका बर्थ प्लेस जो है वो भी जर्मनी में माना जाता है यानी जर्मनी में ही सबसे पहले अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आया तो वो जर्मनी में ही आया था उसके बाद इसे बर्थ प्लेस ऑफ एल एम बी यानी लैंड मॉटेज बैंक का भी बर्थ प्लेस जर्मनी को ही माना जाता है और लैंड मॉटेज बैंक का जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बैंक ज़मीन जो है गिरवी रख कर लोगों को लोन देते हैं यानी लोगों की ज़मीन गिरवी लेते हैं कोलेट्रल के तौर पर उन्हें लोन देते हैं उन बैंक को हम कहते हैं लैंड मोटेज बैंक और मोटेज का मतलब होता है गिरवी रखना ओके तो इन लैंड मॉटेज बैंक का बर्थ जो है ये भी बर्थ प्लेस जर्मनी को ही माना जाता है ये जर्मनी को लेकर जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखिएगा उसके बाद जर्मनी में इंपॉर्टेंट पर्सन की बात करें जिन्होंने कोऑपरेटिव की डेवलपमेंट में काम को को किया कोऑपरेटिव की मूवमेंट को फैलाया कॉन्ट्रीब्यूट किया उनमें पहला नाम आता है एफ डब्ल्यू रेफेशन ठीक है रेफेशन के बारे में हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था आज हम अच्छे तरीके से फैक्ट्स उनके बारे में पढ़ेंगे तो रेफेशन के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले जर्मनी के जो हैं ये रहने वाले थे जर्मनी में कोऑपरेटिव मूवमेंट्स जो हैं उनको इन्होंने बढ़ावा दिया है जर्मन का अठारह में हुआ है और इन्हें अपोस्टल ऑफ कोऑपरेशन कहा जाता है ओके ठीक है अपोस्टल का मतलब रहता है अपोस्टल अगर हम क्रिश्चियनिटी के टर्म में बात करें तो ये माना जाता है कि जीजस ने जो है क्रिश्चियनिटी का मैसेज फैलाने के लिए लगभग चौदह बंदों को चुना था तब और उन वो जो लोग थे जो कि क्रिश्चियनिटी का मैसेज फैलाने के लिए जिन्हें जीजस ने चुना था उन्हें अपोस्टल कहा जाता है क्रिश्चियनिटी की में अगर लैंग्वेज में बात करें सिंपल अगर हम देखें तो कोई भी इंसान जो कि किसी एक पर्टिकुलर मैसेज को पूरी दुनिया में स्प्रेड करने का, का काम करता है तो दुनिया में उस मैसेज को फैलाने का, का काम करता है उसे हम अपोस्टल कहते हैं जनरल भाषा में तो एफ़ डब्ल्यू रेफ को अपोस्टल कोऑपरेशन माना जाता है यानी कोऑपरेटिव का आइडिया जो है इन्होंने पूरी दुनिया में जो है वो फैलाने का काम किया है ओके उसके बाद इन्हें फादर ऑफ़ कोऑपरेटिव रूलर क्रेडिट बैंक का फादर कहा जाता है ओके कोऑपरेटिव रूलर क्रेडिट बैंक यानी गाँव में जो क्रेडिट बैंक रहे कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक रहे उनका फादर जो है वो भी एफ डब्ल्यू रेफ को कहा जाता है इसके अलावा इन्हें फादर ऑफ़ एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव मूवमेंट जो हैं उसका फादर भी इन्हें वर्ल्ड में कहा जाता है यानी जितने भी एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव मोमेंट्स जो हैं हुई हैं दुनिया में उसका भी अगर शुरुआत उसकी शुरुआत भी किसी ने की थी तो एफ डब्ल्यू रेफेसन ने की इसलिए इन्हें फादर ऑफ़ एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव मोमेंट्स इन द वर्ल्ड कहा जाता है ओके तो जो रेफेसन के द्वारा सोसाइटीज़ बनाई थी की, उनका मोटो क्या था मोटो था कोऑपरेशन ईच फॉर ऑल एंड ईच फॉर ऑल क्योंकि ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच थोड़ा उल्टा हो गया है Each for all and all for each. कुछ mistakes जो हैं वो जरूर हो जाती हैं, तो इन्हें करेक्ट each फॉर ऑल ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल ठीक ही है वैसे अच्छा लिखा हुआ okay, तो ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल ठीक लिखा हुआ है सॉरी कंफ्यूजन होगी थी थोड़ी तो ये मोटो किस सोसाइटीज़ के थे तो ये रायफसन के द्वारा जो बनाई गई सोसाइटीज़ थी उनका मोटो था ऑल फॉर ईज एंड ईज फॉर ऑल ठीक है तो ये कौन सी जब सोसाइटी बनी थी तब इस मोटो को यूज़ किया गया था वो भी हम आगे पढ़ेंगे तो उसके बाद रसन सोसाइटी जो थी यानी रॉफसन के फ़ीचर्स पे जैसी राइफसन की सोच थी जो राइसन ने सोसाइटी बनाई थी उन सोसाइटीज़ के फ़ीचर्स क्या थे सबसे पहले तो एरिया ऑफ ऑपरेशन अगर हम देखें रॉफेसन सोसाइटीज़ का तो वो सिर्फ रूरल एरियाज़ तक सीमित थी यानी जो गाँव के एरियाज़ थे उसी में ही रसन सोसाइटीज़ जो हैं वो बनाई जाती थी और वहीं पर काम करती थी अर्बन एरियाज़ में जो है रॉफेसन सोसाइटीज़ जो हैं वो पेनिट्रेट नहीं करती थी इंटरफेयर नहीं करती थी तो उनका अगर एरिया ऑफ ऑपरेशन कहा जाए तो वो रूरल था यानी सिर्फ रूरल एरिया में ही काम करती थी उसके बाद कैसी ऑर्गेनाइजेशन होती थी तो ऑर्गेनाइज क्रेडिट सोसाइटीज विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्रेडिट सोसाइटीज पर ज्यादा काम किया जाता था और लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहती थी याद रखिएगा थोड़ा डिफरेंट जरूर है क्योंकि मौजूदा जो सोसाइटीज़ हैं कोऑपरेटि वो सारी लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ आती हैं लेकिन राइफेसन सोसाइटीज़ जो थी वो बिल्कुल उल्टी थी अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ ओके तो ये चीज़ याद रखिएगा उसके बाद जो शेयर थे राइफेसन सोसाइटीज़ के उनकी वैल्यू जो है वो कड़ी कम रहती थी यानी अगर आप शेयर लेते हैं आप कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं राइफेसन सोसाइटी की कोऑपरेशन में तो वहाँ पर जो आपको शेयर मिलेंगे उनकी वैल्यू बड़ी कम रहती है यानी मॉनेटरी वैल्यू की बात करें यानी कम वैल्यू जो है उन शेयर्स की रहती थी ओके उसके बाद आप अगर शेयर लेते भी हैं तो आपको डिविडेंड जो है वो नहीं दिया जाता था यानी जो प्रॉफिट रहेगी प्रॉफिट के ऊपर एक अलग से पैसा रहता है तो वो डिविडेंड उसको कहते हैं जो कि प्रॉफिट के ऊपर आप देते हैं जितने भी आपके शेयर होल्डर होते हैं तो डिविडेंड जो है रेफेसन सोसाइटी में वो नहीं दिया जाता था किसी को ठीक है उसके बाद इनके डायरेक्टर जो रहते थे वो इलेक्टेड तो रहते थे लेकिन ऑनर रहते थे यानी आम बंदे को आप डायरेक्टर नहीं बना सकते कोई एक रिस्पेक्टेड पर्सन था या कोई जिसका थोड़ा नाम चलता था उसी को ही डायरेक्टर बनाया जाता था चाहे उसको इलेक्ट किया जाता है यानी सोसाइटी में से जो रेप्यूट लोग थे उनको नॉमिनेट किया जाता था इलेक्शन के लिए उन लोगों के बीच में से जो है वो डायरेक्टर को इलेक्ट किया जाता था लेकिन आम इंसान जो थे उनको डायरेक्टर के इलेक्शन के लिए नॉमिनेट नहीं किया जाता था ठीक है तो इलेक्टेड तो रहते थे लेकिन ऑनरी जो है वो डायरेक्टर रहते थे उसके बाद डिपॉजिट जो है राइफरसन सोसाइटी में अगर हम देखें तो डिपॉजिट किस किस से लिए जाते थे मेंबर से भी डिपॉजिट लिए जाते थे और नॉन मेंबर्स जो यानी दोनों से ही डिपॉज़िट जो है वो एक्सेप्ट कर लिए जाते थे राइफर्सन सोसाइटी की बात करें उसके बाद राइफर्सन ने पहले जो सोसाइटी बनाई रॉफर्सन की उसका नाम था विलेज सोसाइटीज अठारह में बनाई पहली सोसाइटी जिसका नाम था विलेज सोसाइटी इसके बाद और सोसाइटी जो राइफर्सन ने बनाई है वो है पुअर पीपल्स कमेटी ये भी राइफेसन सोसाइटी है यानी राइफेसन के द्वारा बनाई गई स्टार्ट सोसाइटी है उसके बाद हेडेस्ट क्रेडिट यूनियन जिसे ही राइफेसन यूनियन भी कहा जाता जो कि अठारह में बनी है ये भी राइफर्सन ने स्टार्ट की और जैसा कि मैंने आपको पिछले पीछे बताया था ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच मोटो जो है सोसाइटी का ये कब एडोप्ट किया जब ये येडस्टो सोसाइटी बनी ठीक है तो हेडसडोरफ क्रेडिट यूनियन जब बनी थी उस यूनियन के टाइम जो है इस मोटो को अडॉप्ट किया गया था ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच और ये रॉफर्सन सोसाइटी जो है उसके साथ डील करती है ओके ये था एफ डब्ल्यू राइफल्सन के बारे में जो कि जर्मनी के काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव मूवमेंट्स में जो है जिनका इन योगदान रहा है दूसरे जो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं जो कि जर्मनी में कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं हरमन स्कल्स ओके तो हरमन स्कल्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे जन्म इनका आठ में होता है इन्हें फादर ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है ओके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ जैसा कि मैंने आपको बताया लेकिन जर्मनी में किस कौन जो है इसके फादर माने जाते हैं वो हैं हरमन स्कल्स ठीक है अगर राइफर्सन की बात करें तो राइफर्सन जो है वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उनके फ़ादर हैं एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उनके फादर हैं लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के फादर जो हैं वो हैं हरमन स्कल्स उसके बाद फाउंडर ऑफ शू मेकर कोऑपरेटिव सोसाइटी इन जर्मनी तो शू मेकर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है जर्मनी में अगर जिसने बनाई वो भी थे हरमन स्कल्स ठीक है उसके बाद इनका एक प्रिंसिपल था जो कि इन्होंने दिया था प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं यानी कोऑपरेटिव बैंकिंग का प्रिंसिपल जो है कि कोऑपरेटिव बैंकिंग जो है ऐसा सभी कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और किस बेसिस पर होना चाहिए किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके वो बनना चाहिए वो प्रिंसिपल जो है कोऑपरेटिव बैंकिंग के वो भी हरमन स्कल्स ने दिए थे ओके उसके बाद ही इज आल्सो रिस्पॉसिबल फॉर कोऑपरेटिव ला इन इन जर्मनी तो कोऑपरेटिव लाज जो जर्मनी में बने जो कोऑपरेटिव को लेकर कानून बने जर्मनी में उसके लिए भी अगर मेन योगदान किसी का रहता है तो वो हमारे स्कल्स का रहता है ओके ओके पहली सोसाइटी 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 जो इनके द्वारा उसका नाम था फ्रेंडली फ्रेंडली तो किसके द्वारा बनेगी स्कल्स के द्वारा और वो पहली सोसाइटी थी जो कि हरमन स्कल्स के द्वारा बनाएगी और उसके बाद जो इनकी सोसाइटीज रहती थी जैसा कि हमने पढ़ा एफडब्ल्यू राइफ एस की सोसाइटीज वो थी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती थी लेकिन इनकी सोसाइटी जो थी वो लिमिटेड लाइबिलिटी के तौर पर रहती थी उसके बाद इनकी मैनेजमेंट जो थी वो डेमोक्रेटिक तो थी लेकिन पेड थी यानी जो मैनेजमेंट है वो इलेक्टेड होगी डेमोक्रेटिक मींस इलेक्टेड होगी इलेक्शन के द्वारा जो है वो मेंबर चुने जाएंगे जो कि मैनेजमेंट को कंट्रोल करेंगे लेकिन ये पेड रहेगी यानी इलेक्शन में मेंबर वो खड़े रहेंगे जो कि कुछ ना कुछ पैसा देंगे कुछ कैपिटल देंगे उनको ही जो है मेंबर uh, उनको इलेक्शन के लिए नॉमिनेट किया जाएगा फिर उनको फर्दर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड किया जाएगा ठीक है तो मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक रही थी और पेड थी उसके बाद इनको हाई रेट ऑफ़ डिविडेंड जैसा कि हमने पढ़ा कि एफ डब्ल्यू सोसाइटी में डिविडेंड नहीं दिया जाता था लेकिन स्कल्स की सोसाइटी में जो डिविडेंड था काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड हाई रेट ऑफ़ डिविडेंड जो है अपने मेम्बर्स को वो देती थी उसके बाद इनके शेयर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू के थे और राइफेशन सोसाइटी के शेयर जो थे वो काफ़ी कम वैल्यू के थे हमने पढ़ा तो ऑपोजिट चल रहा है डिपोजिट्स की बात करें तो यहाँ पर ये राइफेशन रै सोसाइटीज के साथ बिल्कुल मेल खाती हैं कि डिपोज़िट जो हमें मेंबर से भी लीजिए और नॉन मेंबर से भी लीजिए ठीक है तो ये था हमारे हरमन स्कल्स के बारे में उसके बाद हम जर्मनी के बाद हम पढ़ते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट्स जो कि आयरलैंड में हुई क्या क्या फैक्ट थे उसके बारे में तो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है ये आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड में कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती हैं 1889 में तो 1889 में तो आयरलैंड में कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट होती हैं और जो आयरश कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं यानी आयरलैंड में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो किस प्रिंसिपल पर काम करती हैं वो है इक्विटी एंड कोऑपरेशन ठीक है तो, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इक्विटी एंड तो कोऑपरेशन जो है ये किस कंट्री के जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके प्रिंसिपल हैं तो ये आयरलैंड की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनका प्रिंसिपल है इक्विटी एंड कोऑपरेशन कोऑपरेशन का मतलब आप समझते हैं कि साथ देना इक्विटी का बात क्या होती है देखिए दो टर्म रहती हैं एक तो रहती है इक्वालिटी एक रहती है इक्विटी इक्वालिटी में क्या रहता है कि जितने भी लोग हैं उन्हें बराबर बराबर शेयर दिया जाता है ठीक है ये बेनिफिट अगर इसे अगर फिफ्टी परसेंट बेनिफिट मिल रहा है इसको भी फिफ्टी परसेंट मिलना चाहिए इसको भी फिफ्टी परसेंट मिलना चाहिए यानी कोई भी बेनिफिट है इसको पचास रुपये मिल रहे हैं इसको भी पचास दीजिए इसको भी पचास दीजिए चाहे वो पहले से अमीर है या चाहे वो पहले से गरीब है बराबर पैसे देना है लेकिन इक्विटी के कंसेप्ट में क्या होता है कि जिसे जितनी ज़रूरत है उसे उतनी ही दीजिए यानी ये इंसान अगर पहले से अमीर है तो इसे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है पहले से अमीर है तो क्यों उसको कुछ देना उसके बाद अगर हम ये देखें भाई साहब ये भाई साहब अगर जो है ये मिडिल मिडिल इनकम के बंदे यानी कम पैसा है लेकिन थोड़ा है तो इन्हें हम आधा बेनिफिट देंगे ठीक है जितनी ज़रूरत है उतना और ये भाई साहब हमारे बहुत कम पैसे कमाते हैं ना के बराबर पैसे कमाते हैं तो इन्हें जो है ये हम डबल बेनिफिट्स देंगे इसके मुकाबले तो जिसे जितनी जरूरत हो इक्विटी इकु, का कंसेप्ट है कि जिसे जितनी ज़रूरत है उसे उतना बेनिफिट दीजिए इक्वालिटी में कहते हैं कि जितना बेनिफिट है सबको बराबर बराबर दीजिए तो ये इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस है पिक्चर देख भी आप समझ गए होंगे कि इक्विटी और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है उसके बाद तो आयरलैंड में जो हम इम्पॉर्टेंट नाम रहता है कोऑपरेटिव्स की डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल है वो है हॉरेस प्लंकट ठीक है हॉरेस प्लंकट का नाम जो है अगर कहीं पर आप सुनोगे कहाँ से रिलेटेड है तो आयरलैंड में कोऑपरेटिव्स के मूवमेंट जो हैं उनके साथ रिलेटेड तो हर हॉर्स प्लंकट को जो है ये फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स कहा जाता है आयरलैंड में आयरलैंड में कोऑपरेटिव मूवमेंट रही उसका फादर जो है वो हॉर्स प्लंकट को कहा जाता है और हॉर्स प्लंकट कहाँ से इंस्पायर हुए ये जो इंग्लैंड में स्टोर मूवमेंट हुई यानी रॉजटेल मूवमेंट जो हुई जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रॉजटेल एरिया में कुछ लोग जो थे उन्होंने कंज्यूमर स्टोर्स बनाए और अपना सामान जो है वो बेचना उन्होंने शुरू कर दिया सस्ते दाम पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रिस्पॉन्स में ठीक है तो वो जो रिस्पांस जो मूवमेंट हुई रॉजटेल मूवमेंट स्टोर मूवमेंट इंग्लैंड में वहाँ से इंस्पायर्ड होकर हॉर्स प्लंकट ने आयरलैंड में अपना काम शुरू कर दिया कोऑपरेटिव्स को लेकर ठीक है उनके आइडिया जो थे ये आइडिया पूछा जा सकता है किसका था आइडिया ये बेटर फार्मिंग बेटर बिजनेस एंड बेटर लिविंग तो बेटर फार्मिंग बेटर बिजनेस बेटर लिविंग जो था ये आइडिया जो था ये हॉर्स प्लंकट का था ठीक है उसके बाद इनके द्वारा जो सोसाइटी एक गठित की गई जिसने कोऑपरेटिव आइडिया जो हैं उसे पूरे आयरलैंड में फैलाया उसका नाम था आयरिश होमस्टेड मूवमेंट आयरिश होमस्टेड मूवमेंट नाम से इन्होंने एक सोसाइटी बनाई जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि आयरलैंड में क्योंकि ये लिमिटेड थी कोऑपरेटिव मूवमेंट्स तो इसका मैसेज जो है पूरे आयरलैंड में स्प्रेड करना इसका काम जो है सी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सोसाइटी को दी गई जो कि सोसाइटी बनाई गई हॉर्स पलंकट के द्वारा जिसका नाम था आयरिश होम मूवमेंट ठीक है उसके बाद पहली ऑर्गेनाइजेशन जो कि हॉर्स प्लंकट के द्वारा बनाई गई उसका नाम था कंज्यूमर स्टोर तो कंज्यूमर स्टोर जो है ये किसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जो पहली वो थी हॉर्स पलंकट की ठीक है उसके बाद इन्होंने एक और जो है वो बनाई सोसाइटी का नाम था आयरिश एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ आई और ये आयरलैंड की पहली डेयरी थी ठीक है पहली डेयरी थी जो आयरलैंड की जो कि हॉर्स पलंकट ने बनाई थी अठारह में तो 1894 में जो है पहली डेरी बनाई जाती है आयरलैंड में जिसका नाम रहता है आयरिश एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ओके उसके बाद पहली जो क्रेडिट सोसाइटी आयरलैंड में बनती है उसका नाम रहता है डोनेरेल ठीक है डोनेरेल बनती है और डोनेरेल का गठन भी जो है वो और पलंकट करते हैं जो कि आयरलैंड की पहली क्रेडिट सोसाइटी रहती है यानी वो लोन के द्वारा लोन की उसमें काम करती है लेन देन में और Uh, किस बेसिस पर बनाई जाती है जैसा कि राइफर्सन का पर्टर्न थी यानी जर्मनी में जैसे राइफलसन की क्रेडिट सोसाइटी थी वैसी यानी उसी लाइंस में जो है पलंकड़ जो है इसमें आयरलैंड में अपनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं पहली कॉपरेटिव सोसाइटी जो क्रेडिट वाली होती है उसका नाम रहता है अठारह रेल ठीक है नाइनटी थ्री में जो है ये बनती है ठीक है उसके बाद कुछ और कोऑपरेटिव हैं जिनका नाम काफी फेमस है जैसे कि क्रीमरीज हैं या स्कीमर्स हैं ये भी क्वेश्चन आता है कि क्रीमरीज और स्कीमर सोसाइटी जो हैं ये कहाँ की हैं तो ये भी आयरिश कोऑपरेटिव मूवमेंट का ही एक हिस्सा है उसी टाइम जो है ये आयरिश में यानी आ आयरलैंड में बनी थी क्रीमरीज एंड ठीक है उसके बाद प्लंट के द्वारा कुछ बुक्स लिखी गई हैं इंपॉर्टेंट बुक्स है, याद रखिएगा पूछ सकते हैं ये बुक्स जो है किसके लिखी हैं तो पहली बुक जो है वो फर्स्ट बुक जो है इनकी वो रहती है आयरलैंड इन ए न्यू सेंचुरी तो आयरलैंड के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको तो पता चल ही जाएगा कि ये हॉर्स प्लंकट की थी लेकिन जो दूसरी दो बुक्स हैं पहली जिसमें है कि नोबलेस ओब्लिक ठीक है नोबलेस ओब्लिक जो है वो इनकी बुक है और दूसरी है रूलर लाइफ प्रॉब्लम इन यू एस ठीक है यहाँ से शायद आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं क्योंकि यू एस का जिक्र है तो आप शायद यू एस का कोई कोऑपरेटिव पकड़ कर उसका आंसर ना दे रहे हैं तो लेकिन याद रखिएगा कि नॉबलेस ओब्लिक एंड रूलर लाइफ प्रॉब्लम इन यू एस ये दोनों बुकें जो हैं ये प्लंकेट की बुक हैं जो कि आयरलैंड के निवासी थे ठीक है उसके बाद आखिर में आज लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा कोऑपरेटिव मूवमेंट इन स्वीडन तो स्वीडन में कोऑपरेटिव मूवमेंट्स कैसे रही तो फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट स्वीडन में किसको कहा जाता है वो है एच एल्डिन ठीक है तो एच एलडिन को कोऑपरेटिव मूवमेंट्स का फादर कहा जाता है स्वीडन में यानी स्वीडन में कोऑपरेटि मूवमेंट्स को फैलाने का अगर जिम्मेदारी किसी की थी वो थे एच एल्डिन ठीक है उसके बाद कोऑपरेटिव मूवमेंट्स जो है स्वीडन में बड़ा एक यूनिक चीज़ है क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज में हमने देखा कि प्राइवेट लोग जुड़े प्राइवेट लोगों ने जुड़कर कोऑपरेटिव बनाए लेकिन स्वीडन में बिल्कुल उल्टा होता है यहाँ पर पब्लिक सेक्टर जो हैं जुड़ते हैं सबसे पहले यानी जो गवर्नमेंट कंट्रोल सेक्टर्स जो हैं ये गवर्नमेंट के लोग लोग हैं वो जुड़ कर कोऑपरेटिव बनाते हैं तो बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है स्वीडन का कि पब्लिक सेक्टर्स यूनिट जुड़कर कोऑपरेटिव बनाती हैं शुरुआती तौर पर ठीक है तो प्राइवेट्स को भी, भी स्वीडन में कोऑपरेटिव के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है पब्लिक सेक्टर्स को पता चलता है वो जुड़ते हैं और वो कॉपरेटिव बनाते हैं ठीक है तो ये यूनिक फीचर है याद रखिएगा उसके बाद स्वीडन जो है ये किस कोऑपरेटिव किस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए फेमस है वो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स के लिए कौन सा देश फेमस है वो है स्वीडन कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स जो कि रॉजटेल प्रिंसिपल्स के बेस पे बनती हैं स्वीडन में उसके लिए फेमस है स्वीडन ठीक है उसके बाद स्वीडन में जो है ये कंसेप्ट दिया गया 1919 में वर्क एट और आर डी ठीक है तो मज़दूरों को पहले काफ़ी काम जो है इस मोमेंट से पहले कराया जाता था हर देश के कोने में ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वीडन में ही यानी हर देश में जो है कोई भी मजदूर था उसे लगभग चौदह चौदह सोलह सोलह घंटे तक काम कराया जाता था उसको पैसे वही दिए जाते थे जो कि एक छः से आठ घंटे में काम करने वाले मज़दूर को मिलने चाहिए तो स्वीडन में सबसे पहले जो है ये मूवमेंट उठती है जिसमें ये डिमांड रखी जाती है कि आठ घंटे का ही एक दिन में काम करवाना चाहिए आप किसी भी मज़दूर से करें तो ये प्रिंसिपल जो है एक उठता है और पूरी दुनिया में फैलता है और आज अगर आप देखोगे तो आप चाहे पब्लिक वर्क देख लीजिए या फिर आप मजदूरी दिहाड़ी का काम देख लीजिए आठ घंटे से ज़्यादा आप किसी भी मज़दूर से काम नहीं करवा सकते मौजूदा दौर में भी चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो चाहे वो आपका कोई प्राइवेट ऑफिस हो ठीक है ये शुरुआत कहाँ से हुई इस प्रिंसिपल की ये हुई स्वीडन से ओके उसके बाद गोल्डन रूल ऑफ क्रैश ट्रेडिंग कैश ट्रेडिंग का ये भी स्वीडन की ही कोऑपरेटिव मूवमेंट्स का में से आया ठीक है कैश ट्रेडिंग यानी कोऑपरेटिव जो थे इन्हें ये कहा गया कि आप क्रेडिट में अभी उधार यानी क्रेडिट सोसाइटीज बाद में तो बनी पहले जो है हाँ यही था कोऑपरेटिवस का मुद्दा कि आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो कैश में यानी आप कुछ ले रहे हैं या किसी को कुछ दे रहे हैं तो कैश में ही डील कीजिए उधार वगैरह मतलब अभी मत रखिए तो कैश ट्रेडिंग का जो गोल्डन रूल था जो काफ़ी अलग अलग सोसाइटीज़ में फिर से अलग अलग देश की सोसाइटीज़ में अपनाया भी गया कैश ट्रेडिंग का गोल्डन रूल ये भी जन्म कहाँ से लेता है स्वीडन से ही लेता है ठीक है उसके बाद एक एक और चीज़ आती है एक्टिव प्राइस पॉलिसी ये भी स्वीडन में ही निकलती है क्या है एक्टिव प्राइस पॉलिसी तो एक्टिव प्राइस पॉलिसी में ये है कि स्वीडन के जो कोऑपरेटिव हैं ये डिसाइड करती हैं कि जो भी मार्केट प्राइस है किसी चीज़ का ठीक है उसके मुकाबले जो है कोऑपरेटिव सस्ता सामान दें ठीक है मान लीजिए जो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है अगर बाहर जो है कोई चीज़ सौ रुपये की मिल रही है और जो कोऑपरेटिव्स बनेंगी कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स वो क्या करेंगे कि मार्केट रेट पता करेंगे मार्केट में अगर सौ रुपये की कोई चीज़ मिल रही है तो वो अपने जो उनके मेंबर्स होंगे उन्हें वो सौ रुपये से कम दाम में दिलवाएगी नाइन्टी फाइव में या नाइन्टी में भी दिलवा सकती है एट्टी में भी दिलवा सकती है तो मार्केट के मुकाबले मार्केट रेट के मुकाबले अपने लोगों को कम दाम पर सामान बेचने वाली जो पॉलिसी थी इसे कहते हैं एक्टिव प्राइस पॉलिसी और ये तो मेन जो है कोऑपरेट्स की मेन सक्सेस आइडिया जो है वो यही था क्योंकि अगर आप बाज़ार के मुकाबले सस्ता सामान दे रहे हैं या ले रहे हैं तभी तो आप कामयाब हैं अगर आप मार्केट के बराबर का ही रेट दे रहे हैं तो आपसे कौन खरीदेगा फिर आप में ख़ासियत ही क्या है तो ये आइडिया जो था एक्टिव प्राइस पॉलिसी का कि कम दाम में दाम में आप सामान लीजिए या दीजिए कोऑपरेटिव में ये एक्टिव प्राइस पॉलिसी का आइडिया भी स्वीडन में जो है वो इसी ने वहाँ पर जन्म लिया ओके उसके बाद स्वीडन का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर अलग क्यों रहता है कि इन्होंने फर्स्ट बरियल सोसाइटी बनाई ठीक है यानी जो लोग मर जाते थे उन्हें फिर दफनाने के लिए जो है वो भी कोऑपरेटिव को सोसाइटी बनाई गई कि कुछ लोग थे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि जीना तो मुश्किल है ही लेकिन मरने के बाद जो जो रीति रिवाज रहते हैं लोगों के अलग अलग धर्मों में उसमें भी काफ़ी खर्चा रहता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उस चीज़ को अफोर्ड भी नहीं कर पाते तो उन लोगों की मदद के लिए अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाएंगी बरियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और ऐसी तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी स्वीडन में बड़ी यूनिक थी पहले जो है और किसी कंट्री में ऐसी सोसाइटी नहीं बनाई गई थी ओके तो पहली बरियल सोसाइटी वो भी स्वीडन में बनाएगी उसके बाद एक और चीज़ मेन रहती है स्वीडन का वो है फर्स्ट सेंट्रल बैंक जैसे हमारा आज आरबीआई बना है इंडिया में आर बी आई एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर नाइनटीन थर्टी फाइव में वो बना है नाइनटीन थर्टी फोर का एक्ट है नाइनटीन थर्टी फाइव में बना है लेकिन स्वीडन में स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है वो दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक है याद रखिएगा जिसका नाम था रिस्क बैंक और ये सोलह सौ छप्पन में यानी इंडिया में जो सेंट्रल बैंक बना उससे 300 साल लगभग पहले जो है स्वीडन में सेंट्रल बैंक ऑलरेडी जो है वो बन चुका था और वो दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक था जो कि स्वीडन में बना था जिसका नाम था रिस्क बैंक तो ये भी बड़ी यूनिक करेक्टर है स्वीडन का जहाँ पर दुनिया का सबसे पहला सेंट्रल बैंक इतनी जल्दी बन जाता है सोलह में उसके बाद फ़ंड है एक विदाउट बाउंड्रीज़ फंड यह भी स्वीडन से ही बिलोंग करता है विदाउट बाउंड्री फंड का यही मकसद मकसद था कि स्वीडन में जो कोऑपरेटिव्स हैं उन्हें बाहर से भी पैसा लेने की इजाज़त थी ठीक है ऐसा नहीं है कि वो कंट्री के अंदर से ही पैसा ले सकती तो वो अगर एक पर्टिकुलर स्टेट की कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो बाहर की स्टेट से पैसा ले सकती है और अगर स्वीडन की कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि सेंट्रल सोसाइटी है स्वीडन की तो बाहर की कंट्री से भी पैसा ले सकती है तो बिना बाउंड्रीज के जो है ये फंड क्रिएट किया गया था बाउंड्रीज दिक्कत नहीं बननी चाहिए तो ये विदाउट बाउंड्री फंड जो था ये स्वीडन से ही बिलोंग करता है ठीक है उसके बाद जो कोऑपरेटिव सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है स्वेडन में ठीक है स्वेडन में जो सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कंट्रोल करती हैं उसका नाम है कोऑपरेटिव फॉरबर्डन ठीक है ये के से कोऑपरेटिव है याद रखिएगा ये गलती नहीं है ये बिल्कुल करेक्शन है के से है कोऑपरेटिव फॉरबर्डन जैसे कि के एफ से भी जो है वो डिनोट किया जाता है और ये आई सी ए का एक मेंबर भी है ठीक है तो आई सी ए का मेंबर भी है और ये जो है फेडरेशन है जो कि स्वीडन में जितनी भी जो है सोसाइटीज़ हैं कोऑपरेटिव्स उनको कंट्रोल करने के लिए जैसे यूके में हमने पढ़ा था कोऑपरेटिव यूके फेडरेशन है वैसे ही स्वीडन में कोऑपरेटिव फॉबर्डन है की एफ ओके और इसका हेड क्वार्टर जो है वो है स्टॉक होम में ओके उसके बाद जो सबसे बड़ी बड़ा कंज्यूमर स्टोर स्टेप स्वीडन में है वो है स्टॉक होम सोसाइटीज जो डेयरी सोसाइटी है स्वीडन की उसे फ्यूजन के नाम से जाना जाता है याद रखिएगा फ्यूजन जो है ये कहाँ की डेयरी सोसाइटी है ये पूछा जा सकता है ये स्वीडन की सोसाइटी है ओके okay? और उसके बाद जो इंश्योरेंस सोसाइटी जो थी स्वीडन की सबसे पहली उसे नाम से जाना जाता है दैट इज़ uh, समार ठीक है इसकी एवरीवेशन अलग से है वो हम पढ़ेंगे जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन अभी याद रखिएगा कि समराबत्त नाम से जो सोसाइटी uh, है कोऑपरेटिव सोसाइटी वो स्वीडन uh, की इंश्योरेंस सोसाइटी है ठीक है तो आज की इसमें इतना ही है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है आज का लेक्चर आज के लेक्चर में इतना ही था तो आई होप काफ़ी फैक्ट्स जो हैं जिनके बारे में आपको पता चलेगा ये एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं इसके अलावा कुछ बचेगा तो उसके हम एम सी क्यूज जो हैं वो शाम तक आपको मिल जाएगी वीडियो उस एम सी क्यूज़ में हम वो बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही है नेक्स्ट लेक्चर जो है वेडनेसडे या थर्सडे को आ जाएगा एंड Uh, तब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ़ एग्रीकल्चर ठीक है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम एक्ट स्टार्ट कर देंगे जो भी हमारे जे एंड के तीन एक्ट हैं उसे हम एक लेक्चर करके कवर कर देंगे ठीक है तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ और पी डी एफ आपको डैनी चैनल पर मिल जाएगी थैंक यू हैव अ नाइस डे